जब मैं प्रेजेंस था उसमें मैंने पढ़ा डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए, और मैंने बोला था उसमें दो तीन टाइप क्वेश्चन थे, डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए मैंने आपको बताया था, अपन ने जो आर वन आर टू पढ़ा था ए इक्वल टू आर वन प्लस आर टू, एक स्टैंडर्ड फॉर्मुले भी बताए थे, पर बताया था वो हमेशा फॉर्मुले वैलिड हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, फॉर्मुले हमेशा वैलिड हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर अपन बहुत ध्यान देंगे तो अपने को समझ में आएगा कि फॉर्मुला हो सकता है कि अगर मोटा या पतला हो तो कुछ बेसिक चीजों में चेंज आ सकता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। वो वाले सवाल मैंने आपको कराए थे, फिर मैंने आपको एक थिन फिल्म पढ़ाया था जिसका फॉर्मुला आया था डेल्टा इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू ए, एन माइनस वन इंटू ए, यहां तक बात अपने को समझ आ गई थी। अगर अपन प्रिंसिपल की चर्चा और आगे करें, अगर अपन प्रिंसिपल की चर्चा और आगे करें तो अपने को दिखाई देगा, बैटरी है यहाँ पे भाई से बैठ मत जाना फटाक्स। तो जो अपना प्रिज्म है, क्या है जो अपना प्रिज्म है, अरे पढ़ाने नहीं देगा क्या जी? तो जब ना प्रिज्म उस पर अपन ने बात की, अच्छा प्रिज्म पे अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो एक ग्राफ बनाया जाता है डेल्टा और आई का, डेल्टा और आई का डेल्टा, जैसे आजकल अपन ने एक जब TIR हुआ था तब एक ग्राफ बनाया था डेल्टा और आई का, तो डेल्टा और आई की अपन बात करते हैं ध्यान से देखते हैं इधर। अगर अपन बहुत ध्यान देखें तो डेल्टा और आई में ग्राफ में कैसे से अगर अपने बात समझे अच्छे से कि भाई मान लीजिए ऐसे प्रिज्म है, मान लीजिए कि ऐसे प्रिज्म है, अगर अपन बहुत ध्यान देंगे मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि ये एंगल आई है और ये ए है, तो क्या ये एंगल आर वन है और ये एंगल आर टू है और रे कितने से बाहर जा रही है ई, ये आई आर वन आर टू और ये ई, कोई बुराई वाली बात चलिए भाई बहुत बढ़िया। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा आई आर वन आर टू ई, आई आर वन आर टू ई। सोच के अगर इसी प्रिज्म पे मेरे यही प्रिज्म है, अगर मैं रे ई एंगल पे डालूं तो ये एंगल हो जाएगा आर टू, ये हो जाएगा आर वन और ये क्या हो जाएगा आई। मतलब अगर मैं यार अब सही चलने लगी है, नहीं बैटरी भी चेंज कर ली मैंने, मेरे को लगेगा कि जरूरत है तो चेंज कर दूंगा। चलिए तो ऐसी बात, यानी कि मुझे एक बात समझ में आई कि किसी भी एक प्रिज्म में अगर 30 डिग्री पे डालो और 60 पे निकले तो 60 पे डालोगे तो, अच्छा इन दोनों में क्या कॉमन है, डेल्टा आई प्लस ई माइनस ए, ई प्लस आई डेल्टा कॉमन है। मतलब हमें समझ में आया कि अगर हमें ग्राफ बनवाया जाए किसी भी प्रिज्म का डेल्टा और आई का, किसका डेल्टा और आई का, तो ये बात मुझे समझ में आती है कि दो आई की वैल्यू के लिए, किसके लिए डेल्टा सेम होगा, दो आई की वैल्यू के लिए डेल्टा सेम होगा। खैर हमें तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन से मतलब है, वास्तविकता में जो ये डेल्टा और आई का ग्राफ आता है, वास्तविकता में जो ये डेल्टा और आई का ग्राफ, ये जो डेल्टा और आई का ग्राफ आता है उसके बारे में अगर अपन ध्यान से सुने तो डेल्टा और आई का ग्राफ, किसका ग्राफ, डेल्टा और आई के ग्राफ के बारे में बात करें तो डेल्टा और आई का ग्राफ कुछ इस प्रकार है, डेल्टा और आई का ग्राफ कुछ इस प्रकार है। ये कैसे आया, क्या इस पर चर्चा करी जाए या डायरेक्ट याद कर लोगे, चर्चा करना चाहते हो, कहां से निकला है अपने को पता होना चाहिए। मत ध्यान से, वन इंटू साइन आई इक्वल्स टू एन इंटू साइन आर वन, तो क्या आर वन इक्वल्स टू साइन इनवर्स वन बाई एन साइन आई, अरे भाई साहब हाँ ना बोल, क्या आर टू इक्वल्स टू ए माइनस आर वन, आर टू इक्वल्स टू, सो n into sin r2, n into sin r2 equals to 1 into sin e, e की वैल्यू sin inverse n sin r2, बोल yes or no? Yes, sir. अरे कभी तो हाँ ना बोल, yes, sir. बहुत बढ़िया भाई साहब बात समझ आई। सो वॉट इज द फॉर्मुला ऑफ डेल्टा, डेल्टा इज बेसिकली i प्लस ई माइनस ए, मुझे ग्राफ चाहिए डेल्टा और i में, अगर डेल्टा और i में ग्राफ चाहिए a तो कॉन्स्टेंट है, क्या ई आई की टर्म्स में पता होनी चाहिए, ई आई की टर्म्स में पता होनी, यार आवाज यही हाँ ना बोल यार, ई आई की टर्म्स में पता होनी, ये रही इसमें आर टू किसी टर्म्स में, ये आर वन की टर्म्स में और आर वन किसी टर्म्स में आई, अरे भाई साहब हाँ ना बोल, तो देख डेल्टा और आई की रिलेशन क्या, डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई, ई को लिखा गया साइन इनवर्स एन साइन आर टू, एंड आर टू इज ए माइनस आर वन, एंड आर वन इज साइन इनवर्स साइन आई बाई एन माइनस ए, माइनस
ये डेल्टा और आई में रिलेशन है जो वहां बनाया गया है। क्या उखाड़ लिया तूने? क्या उखाड़ लिया? इसे जब कहूँ ना रट लो तो रट लिया करो, इसको निकाल के क्या पता पड़ गया तुम्हें? अरे यार बोलो चमका। यस सर। वो रिलेशन ये कोई स्टैंडर्ड रिलेशन नहीं, पर इसका ग्राफ याद होना चाहिए। ये बेसिकली स्पेक्ट्रोमेट्री और स्पेक्ट्रोमेट्री हालांकि तुम्हारे कोर्सेज में नहीं है बट स्पेक्ट्रोमेट्री के स्पेक्ट्रोमेट्री में आता है ग्राफ, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, सवाल आ सकते हैं इस पे। पहले बात को समझो, उतारो मत अभी, जल्दबाजी मत करो, पहले सुनो अच्छे से। ये ग्राफ जो है ये यही ना राजकुमार आंटी, डेल्टा और आई। अब डेल्टा और आई में तो बेसिकली ये ग्राफ है, ये ग्राफ है देखो बच्चे। असलियत में ग्राफ पैराबोला नहीं है। इस ग्राफ को समझिए, ग्राफ पैराबोला निकलता है ऐसे, क्या मतलब इसको निकाल के बात को समझिए अपन। इससे बस एक बात समझ में आती है कि जो हमने एक चीज पढ़ी कि भाई किसी भी एक डेल्टा के लिए आई और ई दो है, आई और ई दो है। बोलो क्लियर है ना? आई और ई दो है तो बेसिकली आई और ई बन गया एक डेल्टा के लिए। किसके लिए? एक डेल्टा के लिए आई और ई दो बन गया। चलो भाई बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, मजा आया बाबा। अब डेल्टा बराबर आई और ई अपनी क्लैरिटी आ गई, सुने ध्यान से। अब अगर हम बहुत ध्यान देंगे समझ में आए कि ग्राफ पैराबोला ये अनंत तक भी जाता जाता है कि अनंत तक ये अनंत तक जाता या एक्चुअली ऐसा लगता है कि भाई पैराबोला टाइप है, पर ये पैराबोलिक रिलेशन ये पैराबोलिक रिलेशन नहीं है, ये अनंत तक जाता नहीं है। दूसरी बार और बातें करते हैं, ये वो जगह है जहां पे डेल्टा मैक्स है, जहां पे डेल्टा ध्यान से देखो तो ये तब होगा जब ई या आई जो भी आप बोल रहे हैं वो क्या हो जाए पाई बाई टू। एंगल बढ़ रहा है ना, बढ़ते बढ़ते मैक्स एंगल कितना हो सकता है, कितना हो सकता है? तो डेल्टा मैक्स तब होगा जब या तो आई पाई बाई टू हो या फिर डेल्टा मैक्स तब होगा जब या तो आई पाई बाई टू हो या फिर इन द सेम वे डेल्टा मिनिमम कब होगा? जब आई इक्वल्स टू ई। तो हमें समझ में आया ग्राफ से कि भाई ग्राफ पैराबोला नहीं है, ये अनंत तक भी जाता डेल्टा मैक्स तब होता है जब या तो आई 90 हो या फिर डेल्टा मिनिमम तब होता है जब आई बराबर ई हो। एक और बात सीखने लायक, क्या ये ग्राफ सिमेट्रिक है? ये ग्राफ सिमेट्रिक नहीं है। ये ग्राफ किधर की तरफ टिल्टेड है? राइट की तरफ। अगर मैं बोलूं ये x2 और ये x1 तो कौन ज्यादा है? x2 x2 ग्रेटर देन x1। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। तो पहली बात ये ग्राफ मन मंदिर में बसा होना चाहिए। ये ग्राफ क्या कहता है फिर? जे पैराबोला नहीं है, ये अनंत तक जाता नहीं है, डेल्टा मैक्स तब होता है जब आई 90 हो या फिर डेल्टा मिनिमम तब होता है जब आई बराबर ई नहीं आया। उसके बाद ये ग्राफ सिमेट्रिक नहीं है, इट इज मोर टिल्टेड टुवर्ड्स राइट। किस किस के बीच में ग्राफ है? प्रिज्म के लिए। किसके लिए? प्रिज्म के लिए। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। आया नहीं आया? मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली क्या एक्सपेरिमेंट करते हैं जिससे एन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वगैरह निकालते हैं। चलो पहले इसे उतारो फिर बताता हूँ, इसे उतारो फिर बताता हूँ। मैं नहीं गा रहा गाना। उड़ा लिया क्या? चलिए चलो रफ्तार तेज करते हैं, इसको पागलों टाइप पढ़ाते हैं। जल्दी आओ, हो गया क्या? इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द अबव फॉर्मूला, अबव ग्राफ लिखो जल्दी से। इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द अबव ग्राफ, यह पैराबोला नहीं है, लिखो यह पैराबोला देखिए यह पैराबोला नहीं है, यह पैराबोला नहीं है। नेक्स्ट लिखो, यह अनंत तक नहीं जा रहा है, यह अनंत तक नहीं जा रहा है, यह अनंत तक नहीं जा रहा है। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, डेल्टा मिनिमम तब होगा जब आई बराबर ई होगा, डेल्टा मिनिमम तब होगा जब आई बराबर ई होगा। नेक्स्ट लिख लिए, डेल्टा मैक्स तब होगा जब ई
एंड 90 और 90 और 90 एंड और में अंतर पता ही नहीं। डेल्टा मैक्सिमम तब होगा जब या तो आई 90 हो या फिर या दोनों एक साथ 90 हो। क्या होगा? या तो ई 90 हो या फिर आई 90 हो। ठीक है, आई और ई 90 हो। नेक्स्ट लिखिए, यह ग्राफ सिमेट्रिक नहीं है, इनफैक्ट इट इज मोर टिल्टेड टुवर्ड्स राइट। इनफैक्ट इट इज मोर टिल्टेड टुवर्ड्स राइट। एक सुंदर मुंडी सवाल, एक सुंदर मुंडी सवाल, सब कोई बोलेगा नहीं आंसर। हालांकि ये सवाल बहुत टफ है क्योंकि डायरेक्ट सवाल आता है इस तरीके का, पर अभी आपको ये थोड़ा सा आसान लगेगा क्योंकि ये सवाल आपको पता है कहां से पूछा जा रहा है, ग्राफ। पढ़ाई ऐसे डायरेक्ट आता है तो पता थोड़ी पड़ता है ग्राफ से सवाल। इसे सवाल को समझो और सुने। मान लीजिए क्या चीज, मुंडी सवाल में बोलेगा नहीं। मान लीजिए कि एक प्रिज्म है, फॉर अ प्रिज्म, फॉर अ प्रिज्म सपोज डेल्टा मिनिमम कॉरेस्पॉन्ड्स टू, डेल्टा मिनिमम इंप्लाइज आई इक्वल्स टू 30 डिग्री। आई इक्वल्स टू, गॉट माय पॉइंट? अरे हाँ ना तो बोल। ठीक, फॉर अनादर डेल्टा आई इक्वल्स टू 24 डिग्री। फॉर अनादर डेल्टा आई इक्वल्स टू 24 डिग्री। अगर ऐसा है तो बताओ E की क्या वैल्यूज हो सकती है। मन में कोई बोलेगा नहीं, घुसा मार देना कुंड में गिरोगे भैंसों के साथ। चलो बिल्कुल ढंग से मुंडी सवाल एकदम अच्छे से करेंगे सब लोग। I इक्वल्स टू 24 डिग्री अगर है तो वो प्रिज्म है जिसके लिए डेल्टा मिनिमम कौन से एंगल के लिए, 30 डिग्री के लिए। किसके लिए? अगर कंफ्यूज हो गए, एक प्रिज्म है उसमें डेल्टा मिनिमम कब आता है? जब आई क्या होता है? अब उसमें कोई और डेल्टा है, क्या डेल्टा है उससे कोई लेना देना नहीं है। फॉर अनदर डेल्टा मान लीजिए कि आई 24 है उस प्रिज्म पे, कितना आई 24 है, तो पूछा गया बताओ ई क्या हो सकता है, बताओ कि ई क्या हो सकता है, आपको बताना है। मन में सवाल को समझे। एक मिनट, ऑप्शन चेंज कर रहा हूं मैं। मन में चलिए सोचिए, सोच लिया क्या? Yes, अरे सोच लिया क्या? Yes, अरे गारंटी? Yes, अरे पक्का? Yes, अरे सोच लिया क्या? Yes, अरे पक्का? Yes, अरे एकदम पक्का? Yes, चलो मुंडी नीचे, मुंडी नीचे, मुंडी नीचे और मुंडी ऊपर 50 रुपए। हाँ अनीता, बसंती, चंपा, डॉली चली आ जाएगी। एक बार खुद के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए, बराबर सम्मान, बराबर सम्मान। कैसे कर लेते तुम लोग आंखें बंद करके भी बराबरी है, मतलब ऐसे टैलेंट कैसे, मतलब टेलीपैथी है क्या आपस में सबकी? अरे क्या कहते हो यार, है ना। ध्यान सुन, मान लीजिए कि मान लो इस सवाल में बोला गया ये 30 है और ये 24 है। भाई बोला डेल्टा मिनिमम कब होता है जब आई क्या है 30, और मान लीजिए कि किसी और डेल्टा के लिए आई की वैल्यू 24 है, कितनी है? 24। सोच के देख ये दूरी कितनी है? 6। तो ये दूरी 6 से ज्यादा होनी चाहिए कम? ज्यादा कम? ग्राफ की नेचर के हिसाब से तो ये आंसर 36 से ज्यादा कम? ज्यादा कम? ज्यादा कम? 36 से ज्यादा एक ही आंसर है। कौन? तुझे मेरी बात समझ? एक्चुअली ये सॉल्व नहीं करना था सवाल, ये सवाल सॉल्व फॉर्मूला लगा के नहीं करना था, ग्राफ की नेचर पता होनी, सिंगल करेक्ट सवाल है। ध्यान से समझो अच्छे से, क्योंकि ग्राफ कहता है कि ये ग्राफ सिमेट्रिक नहीं है।
इट इज मोर टिल्टेड टुवर्ड्स। ये सवाल फिर कह रहा हूं, अभी फिर भी आसान लग रहा है क्योंकि आपने ग्राफ पढ़ा है। जब सवाल आता है तो अच्छे अच्छे को पता नहीं पड़ता कि ये ग्राफ से सवाल है, वो सॉल्व करने में लग जाते हैं। पर सवाल को समझिए खूबसूरती क्या है। उसने बोला भाई ये डिफरेंस अगर 6 है तो ये डिफरेंस 6 से ज्यादा होना, 6 से ज्यादा होने का क्या मतलब है? 36 से ज्यादा होना, 36 से ज्यादा कौन सा ऑप्शन है? तो एक ही पॉसिबिलिटी है ये वाली, एक ही पॉसिबिलिटी है ये वाली। तुझे दूर दूर तक मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? कोई बुराई पूरा याद होना चाहिए, मुझे याद है ग्राफ व्राफ इसके फॉर्मूला सब क्लियर। और थोड़ी सी पीएचडी करते हैं प्रिज्म पे, बढ़िया शानदार। देखिए आइए मिलिए आया। हाँ तो नेक्स्ट चीज लिखिए, मान लीजिए सवाल के रूप में आपसे पूछते, जैसे असल में क्या प्रिज्म एक लफड़ा है। मान लो मैं आपको बोलूंगी प्रिज्म में ये पी क्यू आर, ठीक ऐसे ले लो पी क्यू आर, ठीक मैं बोलूं मान लीजिए एक रे ऐसे आई ऐसे गई फिर ऐसे गई। अब एक्चुअली चक्कर क्या है कि जब रे यहां से यहां घुसती है तो डेंसर से रे रहा, रेरर से डेंसर, नॉर्मल पोज में रेरर से फिर यहां से मैंने यहां से यहां तो पक्का घुस जाएगी, पर यहां से यहां पक्का निकलेगी ये गारंटी नहीं? क्यों? क्योंकि कहां से कहां जा रही है? क्या TIR हो सकता है? TIR हो सकता है यार, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। TIR हो सकता है, पक्की बात? यस सर। TIR हो सकता है, हाँ यार ये बात तो सर आपने सही बोली, TIR हो सकता है। पहले कहानी समझ लेते फिर अपन उसके सवाल करेंगे, ध्यान से। TIR हो सकता है, बिल्कुल सही बोल रहे हो सर आप। अगर TIR हो सकता है तो यानी कि लफड़े वाला पॉइंट है। जब भी हमें जनरली प्रिज्म पता होता है, जब भी हमें जनरली प्रिज्म पता होता है तो हम बहुत ध्यान से देखें तो प्रिज्म प्रिज्म पता होता है, प्रिज्म होता है, इसमें क्या खास बात? प्रिज्म का जनरली अपने को पता होता है n, क्या n पता है? तो c इक्वल्स टू साइन इनवर्स n, साइन इनवर्स 1 बाई n, क्रिटिकल एंगल छोटा वाला अपॉन बड़ा वाला, ठीक भाई साहब। सवाल ऐसा आता है कि कंडीशन बिटवीन, मैं बताऊंगा पहला सवाल, ए एंड सी सच दैट रे ऑलवेज शो, सच दैट रे ऑलवेज शो TIR एट QR। समझना क्या कह रहा हूं? कंडीशन बिटवीन ए एंड सी, मैं बता रहा हूं पहली बात, कंडीशन बिटवीन ए एंड सी सच दैट रे ऑलवेज शो TIR एट QR, TIR एट यहां, मतलब रे हमेशा कहां रह जाए? ऐसी कंडीशन बताओ किसके बीच में? ए एंड सी। अरे यार हाँ ना बोल, नहीं आया, आया। सोच लो, पक्की बात? तो ये वाली बात हमसे पूछ रही, अच्छा इसका मतलब ए क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म, और सी क्या है? क्रिटिकल एंगल। सी क्या है? अगर हम बहुत ध्यान देंगे रे तो किसी भी एंगल पर गिर सकती है। ये हमारा एंगल है आर टू, क्या है R2. ये हमारा क्या है R1. सोच अगर रे को अंदर रहना है, अगर रे को अंदर तो क्या आर टू सी से बड़ा होना नहीं। पर सर आर टू तो कुछ भी हो सकता है क्योंकि आर टू आर वन पर डिपेंड करता है और आर वन और आई तो कुछ भी हो सकता है। अरे यार हाँ ना बोल, तो मैंने बोला अगर हमेशा अंदर रे को रहना है तो आर टू हमेशा सी से बड़ा होना, पर आर टू तो वेरिएबल है तो हमेशा की कंडीशन क्या हुई? सोच यहां सुने, हमेशा की रीडिंग क्या हुई? हमेशा की कंडीशन हुई कि आर टू मिनिमम, आर टू किससे बड़ा हो? आर टू मिनिमम किससे बड़ा हो? आर टू की सबसे छोटी पॉसिबल वैल्यू, आर टू की सबसे जो सबसे छोटी वैल्यू हो सकती है आर टू की, जिसे छोटा आर टू हो ही नहीं सकता वो भी किससे बड़ा हो? तो क्या बाकी सब अपने आप बढ़े रहे? बाकी सब अपने आप बड़े रहेंगे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। चलो भाई तो आर टू मतलब ये सब इससे बड़े होने चाहिए। अब बात आई कि आर टू की मिनिमम वैल्यू अगर सी से बड़ी हो गई तो रे हमेशा अंदर रहे। अब बात आती है आर टू मिनिमम निकालने की, अब बात आती है आर टू, आर टू मिनिमम, आर टू बेसिकली क्या है? ए माइनस आर, तो ए आर टू इक्वल टू ए माइनस आर वन। आर टू मिनिमम तब होगा जब आर वन, करेक्ट। तो आर टू मिनिमम implies R1 maximum। अच्छा R1 maximum कब होगा? R2 maximum कब होगा?
आर वन मैक्सिमम कब होगा भाई? जैसे जैसे आई बढ़ेगा वैसे वैसे आर वन बढ़ेगा। आपको नहीं लगता कि आर वन मैक्सिमम जब होगा, जब तो आर वन आई मैक्सिमम? यार मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया। अरे आया कि नहीं आया? तो आई आर टू मैक्सिमम इंप्लाइज आर वन मैक्सिमम, और आर वन मैक्स आर टू नहीं इंप्लाइज आर वन मैक्सिमम, आर वन मैक्सिमम इंप्लाइज पर आई मैक्सिमम कितना हो सकता है? क्या ग्रेजिंग इंसिडेंट? क्या चीज ग्रेजिंग इंसिडेंट? दैट इज इक्वल टू 90। दैट इज इक्वल टू 90। दैट इज इक्वल टू 90। बहुत बढ़िया साहब 90। ओ हो 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 90 डिग्री। कितना? 90 डिग्री। अच्छा आई मैक्स 90 तो आर टू आर वन? जब अपन 90 पे गिरते तो अंदर कितने पे आते? सी पे। कितने पे? सी पे। तो आई मैक्सिमम 90 मतलब आर वन मैक्सिमम सी, और आर वन मैक्सिमम सी मतलब आर टू मिनिमम ए माइनस सी। तो कंडीशन क्या हुई? ए माइनस सी ग्रेटर देन सी मतलब ए ग्रेटर देन टू सी इज द कंडीशन। ए ग्रेटर देन टू सी इज द कंडीशन। इज द जबरे हमेशा? जबरे हमेशा? यार आवाज नहीं आई यार। जबरे हमेशा अंदर रहे। गॉट माई पॉइंट? सोच लो। कोई बुराई नहीं है। पक्का? यस सर। गारंटी? यस सर। उतार लो। अब एक बार बहुत ध्यान से सुन। कंडीशन बिटवीन ए एंड सी सच दैट रे ऑलवेज शो ई। तो ए ग्रेटर देन टू सी ये हिलता है सर। अब तो हेलो हेलो हाँ, मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि ए और सी में क्या कंडीशन हो कि रे अंदर ही रहे, ये बात ए ग्रेटर देन टू सी से आ गई। मान लीजिए मैं आपसे बताओ ए और सी में क्या कंडीशन हो, ए और सी में क्या कंडीशन हो कि रे हमेशा बाहर जाए। अब आप करेंगे, करिए सब लोग। कंडीशन बिटवीन ए एंड सी सच दैट रे ऑलवेज पासिस, such that ray always passes Q and R, QR, मतलब ऐसी condition QR है? चलो बोलो सब लोग कर सकते हैं। कंसेप्ट इसी तरीके का लगाना है, उससे भी आसान है ध्यान से करोगे तो। जो मैंने सिखाया उसको समझो। रे को अब हमेशा बाहर जाना है तो बताओ ए और सी में क्या कंडीशन हो। आर टू मिनिमम पे कंसेंट्रेट करेंगे, आर टू मैक्सिमम पे? सोचो 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 सब लोग कर सकते हो। जैसे जैसे बताया वैसे ही कर सकते हो। सोच के देखिए क्या हमेशा बाहर की कंडीशन है R2 max, R2 भाई अगर R2 की सबसे बड़ी वैल्यू भी छोटी हो जाए किससे तो क्या रे पक्का बाहर जाए? फिर बात आई R2 max की क्या वैल्यू है, क्या R2 max मतलब a माइनस R1 मिनिमम? बेकार। a माइनस R1 मिनिमम, R1 मिनिमम इंप्लाइज I मिनिमम, I मिनिमम की वैल्यू तो R1 मिनिमम भी, तो R2 मैक्स की वैल्यू A, तो आंसर आया A लेस देन C, आंसर आया A लेस देन C। तुम्हें दूर दूर तक मेरी बात समझ? चलिए अगर इस माइक ने परेशान करा ना, नहीं तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। आइए तो R2 A लेस देन C, प्रदा जो बोला चमका
थोड़ा सा डल रेस्पॉन्स आ रहा है। डल रेस्पॉन्स आ रहा है, यस सर। क्या कर लोगे, आ रहा है तो। रे को अगर हमेशा अंदर रहना है तो ए ग्रेटर देन और ये ए लेस देन सी। पिक्चर ध्यान से देखो, अगर ए की वैल्यू सी और टी टू सी के बीच में हो, किस में हो, तो क्या होगा, समझे। अगर ए सी और टू सी के बीच में हो भाई, ए टू सी से बड़ा हो तो रे हमेशा, बेकार रेस्पॉन्स। ए अगर टू सी से बड़ा हो तो रे हमेशा, ए अगर सी से छोटा हो तो रे हमेशा, नहीं आया, क्लियरिटी है। पर मान लो कि ए सी और टू सी के बीच में, किसके बीच में, सी और टू सी के बीच में, तो देखिए मान लीजिए मैं आपको ध्यान से, इसमें अंदर की बाहर या दोनों हो सकते हैं, अभी समझ में आएगा आपको, दोनों हो सकते हैं, पहले अपन फील करते हैं उस बात। मान लो कि आपका प्रिज्म है ए, इसमें आप आई जीरो ले लो, आई जीरो लो तो आर वन, तो आर टू कितना हुआ, ए। ध्यान सुनना, अगर मैं आई जीरो लू, आई जीरो लू तो सोच के देख कि ए आर वन जीरो और आर टू ए, ए बता सी से बड़ा है छोटा है, सी से बड़ा है छोटा है भाई, सी और टू सी के बीच में है ना, ए किसके बीच में, तो बता ए सी से बड़ा है छोटा है। अच्छा अपन बहुत ध्यान से देखते हैं भाई, अपना आई जीरो तो आर वन जीरो तो आर टू ए, बोलो क्लियर है एकदम। अब अगर अपन ध्यान देंगे तो ए किससे बड़ा है, किससे बड़ा है, अच्छा भाई अपने क्लैरिटी आएगी भाई, अगर अपन ए टू सी से बढ़ा लें, ए टू सी से बढ़ा लें तो अलग कहानी थी, ए सी से छोटा लें तो अलग कहानी, पर सी और टू सी के बीच में वो कहानी समझ में आनी। मान लीजिए कि ए सी से बड़ा है और टू सी से, तो बता भी टी आई आर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, अंदर रह गई रहे। अब सोचते देख, जैसे जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि जैसे जैसे मैं आई को बढ़ाऊंगा, जैसे जैसे मैं आई को, मान लीजिए मैं आई को बढ़ाऊंगा, सोच के देख, ये आर वन बढ़ेगा घटेगा, भाई अभी तो आई जीरो था, आर वन बढ़ेगा तो ए माइनस सी, यार तुझे मेरी बात समझ नहीं आई यार, ए माइनस सी पक्की बात, ये क्या वैल्यू है, ए माइनस सी नहीं, ए माइनस, ए माइनस, ए माइनस, इसे बढ़ाते जाओ, इसे बढ़ाते जाओ, अगर आप इसे बढ़ाते जाओगे तो सोच के देखो तो ये वाला एंगल बढ़ता जाएगा और ये वाला एंगल, आपको नहीं लगता एक वैल्यू ऐसी आएगी जब क्या ये बाहर आना चालू हो जाए, क्योंकि अभी वैल्यू कितनी है, ए, जो किससे बड़ी है, सी से, पर जैसे जैसे एंगल बढ़ाया वैसे वैसे आर टू की वैल्यू, फिर से सोचना जो मैं कह रहा हूं, आई बढ़ाओगे तो आर वन बढ़ेगा तो आर टू घटेगा, तो बाहर जाने की पॉसिबिलिटी, बाहर जाने की पॉसिबिलिटी, सोच रहे कब बाहर आने लगेगी, जब ये क्या हो जाएगा, सी सी सी, अरे तुम्हें नहीं आया, जब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, सी की सी से कम की सी से ज्यादा, फिर से कंफ्यूज मत होना बिल्कुल, आप मेरे को बोलने दे एक बार, जब आई जीरो है, जब क्या है आई, जब आई जीरो है तो आर वन जीरो है, आर वन जीरो है तो आर टू ए, और हमें पता है कि आर टू ए किससे बढ़ा है, सी से, तो रे अंदर ही रही, पर जैसे जैसे मैंने आई बढ़ाया क्या बढ़ा, और आर वन बढ़ा तो आर टू, आर टू कम हुआ तो कितना, ए माइनस आर वन, ए माइनस। अब जैसे आई बढ़ा रहे हो, आर वन बढ़ रहा है, आर वन बढ़ा रहे हो तो ये घट रहा है, ये घट रहा है तो कैसी पॉसिबिलिटी, ये घटते घटते सी हो जाए, जब ये सी हो जाएगा, जब ये सी ए माइनस आर वन क्या हो जाएगा, सी, तो क्या रे ऐसे बाहर आने लगेगी, अरे मान लो कि इस समय एंगल आई नॉट था, कितना था, तो इस समय आर वन कितना था, ए माइनस सी, अरे आर वन कितना था, नहीं आया, नहीं आया, आर टू और सी, तो आर वन कितना हो गया, ए माइनस सी, तो आई नॉट के लिए कितनी हुई, वन इंटू साइन आई नॉट, वन इंटू इक्वल्स टू एन इंटू साइन ए माइनस सी, तुझे दूर दूर तक मेरी बात समझ, तो एक आई नॉट एंगल की वैल्यू आई, जो आई साइन इनवर्स एन साइन ए माइनस सी, पहले था यस और नो, फिर आई नॉट, आई नॉट रटाने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बात समझे आप, ये बात क्लैरिटी हो गई कि अगर ए सी और टू सी के बीच में है
तो रे अंदर भी रह सकती है और बाहर भी रह सकती है। ध्यान से सोचो तो आपको समझ में आएगा कि जब तक जीरो की वैल्यू सॉरी आई की वैल्यू आई से लेकर आई नॉट के बीच में है, आई से लेकर तो रे अंदर है कि बाहर है? बेकार रेस्पॉन्स। अंदर बाहर, अंदर बाहर, अच्छा। और जब आई की वैल्यू आई नॉट से लेकर पाई बाई टू के बीच में है तो बाहर। तुझे दूर दूर तक मेरी बात, पिछले 9 साल से मैं इसको ऐसे ही पढ़ा रहा हूं बिल्कुल, और 2 साल पहले एग्जैक्टली आई नॉट पूछा गया है जे एडवांस में। अरे यार 2 साल पहले एग्जैक्टली ये सवाल में पूछा गया एग्जैक्टली आई नॉट, एग्जैक्टली ऐसे ही पिछले 9 साल से ऐसे ही पढ़ा रहा हूं मैं बिल्कुल इसी सीक्वेंस में। मैं इसलिए बात बता रहा हूं कि नोट से भी कभी कभी सवाल आ सकते हैं, ऐसा नहीं जे एडवांस डायरेक्ट उन्होंने आई नॉट ही पूछा था, जो बात है कि नोट्स में हम और भी बहुत सारी चीजें मिला के रखते हैं। ब्रदर जो मैं बोला क्या चमका? Yes, sir. फिर से समझ जैसे अगर a greater than 2c हो, a greater than 2c हो तो रे हमेशा अंदर, a less than c हो तो बाहर, अगर c और 2c के बीच में हो तो अंदर, क्या दोनों हो सकता है? Yes, sir. एक क्रिटिकल एंगल है आई नॉट, कौन सा? आई नॉट तब होता है जब r टू c होता है। Yes, sir. जब r टू जीरो से आई नॉट अंदर, अरे यार, और आई नॉट से पाई बाय टू। ये कहानी याद रह जाए तो बढ़िया, पर समझ में जरूर आनी चाहिए ताकि अगर कोई सवाल पूछ ले तो हमें बात क्लैरिटी होनी चाहिए। इतनी बच्चे को डर लगता है, पर अगर जो मैंने पढ़ाया ध्यान से पढ़ोगे तो सिर्फ कैलकुलेशन में अटकोगे, बाकी कंसेप्ट में नहीं अटकोगे। आप ध्यान देखो तो आप प्रिज्म देखते ही समझ जाओगे कि क्या होने वाला है। जैसे माने तेरे को बोलू कि एन है रूट टू, कितना? बोलो क्लियर? या रूट टू नहीं, टू, कितना? एन है टू, और मैं बोलूं ए है 70 डिग्री, क्या समझा तू? एन है टू का मतलब क्या क्रिटिकल एंगल 30, ए कितना? 70, क्या ये 60 से भी बड़ा है? मतलब कौन सा केस? फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब रे कभी भी बाहर? सवाल को वैसे ही सॉल्व करो ना फिर। अरे भाई हाँ ना तो बोल यार, मुझे लगा ही तुम्हें आया, आया नहीं आया, आया। मान लीजिए मैंने आपको बोला n रूट टू है, n क्या है? root 2. n रूट टू है और बोला कि a 30 डिग्री है, क्या हमेशा बाहर? हमेशा बल्कि आप ध्यान से सोचो तो पतले प्रिज्म के हमेशा रे बाहर चली जाएगी। मैं आपसे बोलू n रूट टू है, n रूट टू है और a 60 डिग्री है, अंदर बाहर या कुछ भी? अगर n रूट टू है तो क्या क्रिटिकल एंगल 45? क्रिटिकल एंगल क्या 45 डबल 90? क्या 60 90 और 45 के बीच में? बोल रहे अंदर रहेगी बाहर रहेगी, ये आई पे डिपेंड करेगा। क्या आपको सवाल का डेटा देखते ही पता पड़ जाएगा कि क्या होने वाला है? तो अच्छे सवाल आप सॉल्व कर पाओ। क्या मेरी बात पिक्चर क्लियर हुई है? क्या हुआ? थोड़ी सी अक्कल लगा। ये एंगल तब है जब रे कहाँ आने लग गई? बाहर। रे कब बाहर आएगी? जब ये एंगल क्या हो जाएगा? सी। तो ये सी मतलब ए माइनस आर वन, ये ए माइनस आर वन ही तो होता है, तो ए माइनस आर वन सी, तो आर वन की वैल्यू, तो मैंने ये वैल्यू लिख दी यहाँ पे, इस सेंसर लगा दिया 1 into sin आई नॉट इक्वल टू 1 into sin ए माइनस सी, तो आई नॉट के लिए आ गई। तो मैंने बोला कि जीरो से लेकर अगर आई नॉट तक हो तो रे कहाँ रहेगी? अंदर। और आई नॉट से ज्यादा हो जाएगा तो बाहर। और आई नॉट वो एंगल है जब आर टू क्या हो जाएगा? सी। जब आर टू क्या हो जाएगा? सी। तो ए माइनस आर वन सॉरी आर वन क्या हो जाएगा? ए माइनस सी क्या हो जाएगा? तुम कंफ्यूज हो गए क्या थोड़े से? बोलो चमका क्या? एकदम पक्का? गुड। कुछ कुछ बातें छोटी छोटी और इसी में जो मैंने अभी अभी पढ़ी थी ग्राफ से, वापस ग्राफ से पूरी पीएचडी ध्यान से देख। मैंने आपको ग्राफ में एक चीज बताई, पहली बात ये कंप्लीट पीएचडी है, किस पर? प्रेस पर। डेल रेस्पॉन्स आ रहा है? अबे तो डेल रेस्पॉन्स आता है, स्पीड धीरे कर दी तुमने यार, समझ नहीं आया क्या? आया कि नहीं आया? सोच लो। पीछे ब्राउन हेयर, हाँ बेटा बोलना पड़ेगा ना, ऐसे ताबूत की तरह बैठेगा तो मुझे कैसे पता पड़ेगा? सब पे नजर होती है भाई मेरी, तुम्हारी हाँ कम लोगों की नजर आती है तो मैं स्लो हो जाता हूँ, क्या लॉजिक उसका? चलिए तो a माइनस सी, यहां तक अपने बात क्लियर है कि अगर a और c देखकर मैं सब कुछ बता सकता हूं कि रे अंदर बाहर या कुछ भी हो सकता है। गॉट माय पॉइंट? यस सर। सोच लो। यस सर। बहुत बढ़िया।
ऐसे अभी अपन ने ग्राफ पढ़ा, उसमें अपन देखा कि डेल्टा मिनिमम तब होता है जब आई बराबर ई, और डेल्टा मैक्सिमम तब होता है जब डेल्टा मैक्स तब होता है जब आई या फिर ई। मान लीजिए मैं आपसे एक सवाल पूछूं, मैं आपसे सवाल ही पूछता हूं डायरेक्ट, देखना ध्यान से। मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि एक प्रिज्म है, क्या है एक प्रिज्म है जिसका एन रूट टू है और ये 75 डिग्री है, पूछेगा डेल्टा मैक्स बताइए। एन रूट टू है, एन रूट टू है और ए 75 है, आपसे पूछा गया बताइए डेल्टा मैक्स, बस इतना ही पूछा। कंफ्यूज मत होना, क्या डेल्टा मैक्स का मतलब आई 90? अगर किसी भी सवाल में आई ए और एन पता हो तो सवाल सॉल्व करना बड़ी बात तो करो। सिंपल सवाल है, घबराओ मत, बिल्कुल आसान है भी तुम्हें लगेगा। पहले तो क्या मैंने आपको बताया था कि आई एन और ए पता हो, सवाल हो सकता है। yes, तेरे को बता इसमें ए पता है क्या? yes, क्या तेरे को एन पता है क्या? yes, आई पता है क्या? yes, तो करे ना सवाल, सब लोग कर सकते हैं, मेरी जरूरत नहीं है इस सवाल में, सब लोगों का आंसर आ सकता है। कितना? 60 डिग्री। चलो सब लोग करेंगे, देखिए इधर मिलके करते हैं, मुझे नहीं पता अंतर भी देखते हैं। मतलब आई कितना? 90। बता रे अंदर कितने पे गई? फिर बेकार क्या अगर 90 पे गिरी ग्रेजिंग इंसिडेंस पर, क्या आई 90 दे रखा है तो ग्रेजिंग इंसिडेंस हुआ, ग्रेजिंग इंसिडेंस हुआ तो R1 कितना हुआ? सी। सी का मतलब कितना? 45। अगर ये 45 है तो ये कितना है? 30। फिर यहाँ पे लगाइए रूट टू इंटू साइन 30, रूट टू इंटू साइन 30 इक्वल टू 1 इंटू साइन ई। साइन 30 क्या लू? 1/2। रूट टू बाई टू 1/2। ई की वैल्यू क्या? रे 45 पे बाहर आई। क्या डेल्टा का फॉर्मूला होता है? क्या डेल्टा का फॉर्मूला होता है? आई प्लस ई यानी कि 90 + 45 - 75। आंसर आया 60 डिग्री। क्या ये 60 डिग्री ही डेल्टा मैक्स है? क्योंकि हमने कंडीशन लगाई है आई बराबर 90, आई बराबर 90, तो अपने आप आंसर आ गया। तो कभी भी डेल्टा मैक्स पे सवाल पूछ ले तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं, फिर बेकार रेस्पॉन्स। चलो सब लोग, सबकी आवाज नहीं आ रही, स्लो कर रहे हो तुम स्पीड, समझ आया कि नहीं आया? एक और की बात बन गई है, सोच लो। यस सर। एकदम पक्का? यस सर। चलो भाई, तो डेल्टा मैक्स आया 60 डिग्री, कितना आया? 60। ऐसे मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं, एक्चुअली ये जो प्रोसेस है ना, ये डेल्टा मिनिमम निकालने के लिए प्रोसेस है। असलियत में क्या करते हैं मैं बताता हूं आपको, हालांकि तुम्हारा एक्सपेरिमेंट नहीं है। जैसे अगर आप कभी भी हमला जब आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे तो जनरली अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एक डार्क रूम होता है ऑप्टिक्स के एक्सपेरिमेंट करने के लिए। मैंने बताया क्या पहले? तो एक डार्क रूम होता है एक्सपेरिमेंट करने के लिए, उसमें बिल्कुल 2-3 कमरों के अंदर वो कमरा रहता है ताकि ऑप्टिक्स आप एक्सपेरिमेंट कर पाओ। वो उस पर लगभग पर्दे काले ही लगे होते हैं, बेसिकली वहाँ पे रोशनी, ताकि बाहर की रोशनी आएगी तो फिर ऑप्टिक्स एक्सपेरिमेंट कैसे करोगे, है ना? उसीलिए तो डार्क रूम ऑप्टिक्स रूम कहलाता है, उसे ऑप्टिकल एक्सपेरिमेंट रूम कहलाता है, वो सभी जगह लगभग। तो डार्क रूम रहता है, उसमें एक्सपेरिमेंट कराया जाता है। एक टेबल होती है, उस पर प्रिज्म रख देते हैं। क्या रख देते हैं? प्रिज्म। और क्या करते हैं? एक तरफ से लाइट गिराते हैं, एक तरफ से, फिर एक स्क्रीन होती है उस पर ना वो लाइट कहाँ जाके टकरा रही है उस पॉइंट को देखते हैं और फिर डेल्टा निकालते हैं। क्या निकालते हैं? ऐसे आई चेंज करते जाते हैं और डेल्टा करते जाते हैं। और वास्तविकता में क्या करते हैं कि ऐसे डेल्टा और आई के ग्राफ को प्लॉट करते हैं। वो ग्राफ इसीलिए बनवाए गए हैं आप, वो डेल्टा और आई का ग्राफ जो आपने बनाया ना वो ऐसे बनाते जाते हैं, इसे पॉइंट ले लेके ऐसे फिर उस ग्राफ को पूरा बनाने के बाद उसके डेल्टा मिनिमम को और आई को काउंट कर लेते हैं। किसकी मदद से? ग्राफ की मदद। ग्राफ कैसे प्लॉट करा? एक्सपेरिमेंट में किसके पॉइंट बात
डेल्टा और आई, बहुत सारे पॉइंट लेते तो किस तरीके का ग्राफ बनेगा? अरे वही तो प्रिज्म का वही तो ग्राफ था यार। उस ग्राफ की मदद से क्या पॉइंट निकाल लेते हैं? डेल्टा, मिनिमम और आई। इट्स ए प्रैक्टिकल मेथड टू डू व्हाट, लेट मी टेल यू। अब हमें समझ में आ गया कि डेल्टा मिनिमम क्या चीज। डेल्टा मिनिमम का मतलब होता है आई बराबर ई, आई बराबर ई। अच्छा खुद बताओ, आई बराबर ई मतलब आर वन बराबर, आर वन बराबर आर टू है कि नहीं? अब आई और ई बराबर है तो आर वन भी, तो आर वन बराबर आर। अरे पर हम तो ये भी जानते हैं कि आर वन प्लस आर टू बराबर ए, मतलब कि आर वन बराबर आर टू बराबर ए बाई टू। बेकार रिस्पॉन्स। आर वन बराबर आर टू बराबर, अगर हम इस कंडीशन के लिए प्रिज्म की चर्चा करें तो हमें समझ में आएगा कि आई बराबर ई है, आई और ई बराबर है, और आर वन और आर टू क्या है? ए बाई टू, ए बाई टू। अगर आप बहुत ध्यान से समझो तो आपको एक बात और क्लैरिटी से समझ में आएगी कि डेल्टा का फॉर्मूला होता है आई प्लस ई माइनस ए, आई प्लस ई, आई प्लस ई माइनस ए। अगर डेल्टा मिनिमम की बात करें तो क्या डेल्टा मिनिमम में आई बराबर ई, मतलब लिखा जा सकता है टू आई माइनस ए। क्या आई की वैल्यू लिखी जा सकती है? डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई टू। आई की वैल्यू लिखी जा सकती है डेल्टा मिनिमम प्लस डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई टू। इस पहली सरफेस पर स्ट्रेस फ्लो लगाइए, अगर इस पर स्ट्रेस फ्लो लगाइए तो लिखा जाएगा वन इंटू साइन आई इक्वल टू एन इंटू, वन इंटू साइन आई इक्वल टू एन इंटू साइन आर वन। आर वन की वैल्यू, अच्छा, और आई की वैल्यू डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाय। तो सोच के देखो एन की वैल्यू क्या आई, साइन डेल्टा एम प्लस ए बाय टू अपॉन साइन ए बाय। इट्स अ प्रैक्टिकल मेथड टू कैलकुलेट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ अ प्रिज्म। इट्स अ प्रैक्टिकल मेथड टू कैलकुलेट। एक प्रिज्म लो जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ना पता हो, उसको रखो और उसकी एक्सपेरिमेंट कर ग्राफ बना लो डेल्टा और आई का। जब डेल्टा और आई का ग्राफ बना लोगे तो क्या उस ग्राफ से डेल्टा मिनिमम और ए पता पड़ जाएगा? डेल्टा मिनिमम और आई पता पड़ जाए। उस आई की वैल्यू, उसको आई की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ किससे काम चल जाएगा? डेल्टा में। तो एन की वैल्यू आई साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। तुम्हारे प्राण प्रखेरू। जैसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट तुम्हारे कोर्स में मेंशन नहीं है, ज्यादा सवाल उस पर नहीं आएंगे, बेसिक सवाल इस पर आ सकते हैं। इसमें बेसिक सवाल की बात करो तो ओरली आप आंसर देंगे, मुझे बताएंगे। इफ डेल्टा मिनिमम इज 60 डिग्री फॉर एन इक्विलेटरल प्रिज्म, फाइंड एन। इफ डेल्टा मिनिमम इज 60 डिग्री फॉर एन इक्विलेटरल प्रिज्म, ओरली ओरली सोच लो। डेल्टा मिनिमम 60, ए बी 60, नहीं आया। 60 प्लस 60 बटे 2, 60 साइन 60 बटे साइन 60 बटे 2, साइन 30। अरे भाई हाँ ना तो बोल, क्या आंसर आया? रूट 3। कितना आया? आपके लिए सवाल इस स्तर का आता है। पहला था जो मैं बोला चमका, तो डेल्टा मैक्स पे सवाल पूछ ले मुझे कोई दिक्कत नहीं है, डेल्टा मिनिमम पे पूछ ले मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्या कहानी एकदम क्लियर है? ए ग्रेटर देन 2 सी, ए लेस देन सी, सी 2 सी के बीच में कोई तकलीफ नहीं है। प्रिज्म मोटा हो पतला हो नॉर्मल साइज का हो क्या डेल्टा होगा? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर थिन प्रिज्म हो तो भी कोई तकलीफ नहीं है। क्या प्रिज्म की कहानी समझ आई है? नहीं आया? ताले क्यों उतारना? बातें खली जैसी उधार लेगा तुम लोगों ने, तो यहां तक बात क्लियर है। नेक्स्ट अपनी हेडिंग डालिए, ये कहानी थी प्रिज्म की, किसकी थी? नेक्स्ट हेडिंग डालिए डिस्पर्जन, नेक्स्ट हेडिंग डालिए डिस्पर्जन, नेक्स्ट हेडिंग डालिए डिस्पर्जन, नेक्स्ट हेडिंग डालिए डिस्पर्जन। बिल्कुल डिस्पर्जन जैसे मुझे याद है सेगमेंट वैसे आपको याद होना, ध्यान से सुने अच्छे से। डिस्पर्जन देख एक्चुअली क्या है, ऐसा ऑब्जर्व करा गया, जैसे आपको शायद हो सकता है आपका पता नहीं, अब तुम्हारे स्कूल में इतने से भी एक्सपेरिमेंट कराए थे कि नहीं कराए थे, व्हाइट लाइट से 7 कलर बनाते हुए दिखाया होगा। yes, प्रिज्म से? yes, अरे हाँ ना बोलिया। yes, स्कूल गए थे कभी? yes, हमारे स्कूल में प्रिज्म था एक। yes,
क्या कह रहा है? ठीक है, हमने स्कूल की कहानी में सुना। देखिए प्रिज्म देखा है सब लोगों ने, उससे सांकला टूटते हुए देखा है। अस्तित्व में होता क्या है, डिस्पर्जन का मतलब क्या है? अस्तित्व में आपको बताऊं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, अस्तित्व में कोची साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक फॉर्मूला दिया। वास्तविकता में जब ऑब्जर्व करा गया तो देखा गया कि एन जो होता है क्या होता है, एन वास्तविकता में याद कराया था रूट म्यू आर ईआर, कुछ याद है मीडियम की प्रॉपर्टी। असलियत में वो बहुत इनडायरेक्टली इस बात पर भी डिपेंड करता है कि जो लाइट गिर रही है उसकी वेवलेंथ क्या है। जो लाइट गिर रही है उसकी वेवलेंथ क्या है, ऐसा नहीं कि बहुत कोई चेंज हो जाता है, पर थोड़ा बहुत वो चेंज होता है। तो वास्तविकता में एन जो होता है वो डिपेंड करता है लेमडा पर, कुछ तो इस प्रकार से। इसका लंबा सा फॉर्मूला होता है, आपने फॉर्मूला वॉर्मूला आपने किसी काम का नहीं है, अपने को इतना समझना है बस एन क्या है, लेमडा क्या है, किसकी वेवलेंथ जो गिर रही है। अभी तक हमने ऐसी कोई बात नहीं, पर वास्तविकता ये है। तो बोला गया कि एन बढ़ता है तो लेमडा घटता है। हम क्योंकि लाइट की बात कर रहे हैं तो हम विभ्योर की बात कर रहे हैं, हम यहां से यहां चले तो लेमडा तो एन, लेमडा बढ़ा तो एन घटा। बोलो क्लियर है? चलिए, अस्तित्व में होता क्या है कि एक मान लीजिए इंटरफेस है, इस इंटरफेस पे ऐसे, इस इंटरफेस पे ऐसे मान लीजिए व्हाइट लाइट गिर रही है। कौन सी लाइट? व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट में कितने कलर? मान लीजिए वैक्यूम या एयर से गिर रही है और ये एन है, कोई मीडियम है। अब हमें ये बात पता है कि वास्तव में मीडियम का एन क्या इसकी हर एक कलर के लिए सेम है कि अलग अलग? अलग अलग है। सबसे ज्यादा किसके लिए? सबसे ज्यादा किसके लिए? सबसे ज्यादा किसके लिए? अगर आप बहुत ध्यान देंगे तो आपको ये बात समझ आएगी कि वन इंटू, ये मान लीजिए ऐसे लिखते हैं, वन इंटू साइन आई इक्वल टू एन इंटू साइन आर, एन इंटो साइन आर की वैल्यू आई साइन आई बाई एन। बहुत ध्यान से देखो तो लेमडा बढ़ेगा तो एन घटेगा और एन घटेगा तो आर। तो सबसे पास नॉर्मल के कौन सा कलर होगा? नॉर्मल के सबसे पास कौन सा कलर होगा? आर सबसे ज्यादा किसका है? अबे सही बोला करो, आर सबसे ज्यादा किसका है? तो सबसे दूर कौन हुआ और सबसे पास कौन हुआ? नॉर्मल के सबसे पास कौन हुआ और सबसे दूर? तो असलियत में रेज इस प्रकार से टूट जाती है, असलियत में रेज इस प्रकार से टूट जाती है ये, और बाकी सारे कलर इनके बीच में होते हैं। देखिए विब कलर देखिए विब्योर, व्हाइट लाइट का इस तरीके से टूट जाने के फिनोमेना को ही कहते हैं। क्या कहते हैं? मैंने व्हाइट लाइट एनकाउंटर्स अ मीडियम, इट स्कैटर्स इनटू डिफरेंट कलर्स एंड दिस फिनोमेना ऑफ लाइट इज नोन एज डिस्पर्जन। और क्यों डिस्पर्जन हो रहा है बोलो? पिक्चर क्लियर है? अच्छा, अगर आप बहुत ध्यान देखो, अब कितना डिस्पर्जन हुआ, कितना उसे समझने की कोशिश करें, ध्यान से देखो। तो यहां से लेकर यहां तक डेविएशन है रेड का, यहां से लेकर यहां तक डेविएशन है और यहां से लेकर यहां तक डेविएशन है येलो। सर वॉयलेट रेड ले रहे हो ये तो समझ आ रहा है कि वो दोनों एक्सट्रीम है, पर येलो क्यों ले रहे हो समझे? अगर कभी भी कलर मेंशन ना करा जाए तो हमें डेविएशन किसका लेना चाहिए? मीन डेविएशन कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? घटिया लॉजिक मत लगाना सर। देखो सर, मीन तो जो है ग्रीन होना चाहिए सर, तीन इधर तीन इधर, लॉजिकली सही लग रहा है, पर ग्रीन मीन डेविएशन ग्रीन मीन डेविएशन अस्तित्व में मीन डेविएशन कौन है? येलो, क्योंकि इनका डेविएशन का रिलेशन लीनियर, तो एक स्टैंडर्ड तरीका है। कैसा तरीका है? स्टैंडर्ड। और एक और बात है, क्यों येलो को लेते हैं? क्योंकि अगर आपको कभी पता हो तो हमारी हमारी आंख के लिए सबसे ज्यादा कौन सा कलर सेंसिटिव है? हमारी आंख के लिए सबसे ज्यादा कौन सा कलर सेंसिटिव है? येलो। कौन है? बात समझना। जैसे मान लो कि इंफ्रारेड है, क्या है?
उसके लिए हमारी सेंसिटिविटी जीरो है, वो हमें दिखाई अल्ट है, तो वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर डल रेस्पॉन्स दे रहे हो तुम धीरे, मजा नहीं आ रहा आज पढ़ाने में, रेस्पॉन्स धीरे दोगे धीरे हो जाता है अननेसेसरी, वो धीरे करने का कोई लॉजिक नहीं। तो मान लीजिए कि विजिबल रीजन के इधर या उधर जाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं, इसका मतलब उन वेवलेंथ के लिए हमारी सेंसिटिविटी जीरो। हाँ, 3600 से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक के लिए हमारी सेंसिटिविटी है, पर उसमें भी सबसे ज्यादा कौन से कलर की, येलो। कंफ्यूज मत होना सर, रेड कलर सुना था हमने, तो रेड स्कैटर कम करता है, वो एक अलग बात है, वो एक पर हमारी आंखें सबसे ज्यादा कौन से कलर के लिए सेंसिटिव, याद रखना है सब। अरे भाई हाँ ना बोले आप, खैर फिर कह रहा हूं आपको कि कौन से कलर के डेविएशन को मीन डेविएशन मानते हैं। तो अगर कुछ नहीं बोला हो तो कौन से कलर के लिए बातें करनी चाहिए, तो डेल्टा वाई करस्पॉन्ड्स टू मीन डेविएशन, करस्पॉन्ड्स टू मीन डेविएशन। अच्छा सोच के देखो कि जो डिस्पर्जन हुआ ये मापदंड क्या है, ये मापदंड डिस्पर्जन का मतलब क्या, स्कैटरिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू डिफरेंट कलर्स। तो डिस्पर्जन का मापदंड डेल्टा आर, डेल्टा वायलेट या डेल्टा येलो नहीं है, इसका मापदंड है असलियत में ये थीटा। थीटा किस किस के बीच का एंगल है, कितना हम स्कैटर कलर करें ये क्या वायलेट और रेड के बीच का एंगल है। सो थीटा इज बेसिकली डिस्पर्जन, डिस्पर्जन का मैग्नीट्यूड कौन बताता है, थीटा, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन, क्या यही बताता है हम कितने बिखर गए। डेविएशन अलग चीज है, डिस्पर्जन डेविएशन मेन रे से डेविएशन है, डिस्पर्जन में हम आपस में कितना बिखर गए, अरे दोनों बातें फिर आ रही थोड़ी थोड़ी। डेविएशन अलग चीज है, डिस्पर्जन डेविएशन मेन रे से हम कितना घूम गए, अरे पर हम भी अलग अलग घूमे तो हम आपस में कितना घूम गए, अरे यार हाँ ना बोल, दैट इज डिस्पर्जन, दैट इज। तो थीटा इज बेसिकली एंगल बिटवीन, एंगल रेड एंड वायलेट, रेड एंड वायलेट रे, बेसिक डेफिनेशन ये है। इस पर्टिकुलर सवाल में देखो तो लिख सकते हो ये है बेसिकली डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, डेल्टा वी माइनस, अगर आप इस डायग्राम से देखे तो। पर मेन बात समझ में आनी चाहिए डिस्पर्जन वास्तविकता में किस किस के बीच का एंगल है, वायलेट और रेड। कृदा जो बोला चमका, कोई बुराई नहीं, कोई कष्ट नहीं, सोच लो। सो डिस्पर्जन व्हेन अ लाइट रे फॉल्स, व्हेन अ व्हाइट लाइट फॉल्स ऑन अ सरफेस बाउंड इन इट स्कैटर्स इनटू डिफरेंट कलर्स एंड दिस फिनोमेनन इज नोन एज डिस्पर्जन। क्यों होता है बोलो, क्लियर है, जो समझ में आए अपनी भाषा में लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं, जो समझ में आए अपनी भाषा में लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं, पूरा रटने वाला सेगमेंट है, याद होना चाहिए। डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, अब देख अगर आप बहुत ध्यान देंगे तो इस वाली बात पर, डिस्पर्जन क्या, डिस्पर्जन क्या होता है बोलो, क्लियर है। अगर हम बहुत ध्यान देंगे तो सोच, मान लीजिए मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि भाई जी का है वो सवाल कि अगर एक स्लैब पर, अगर एक स्लैब पर व्हाइट लाइट गिराई जाए, क्या गिराई जाए, तो जब ये रे बाहर आएंगी, जब ये रे व्हाइट लाइट, कौन सी लाइट, व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट गिराई जाए तो जब ये रे बाहर आएगी तो डेविएशन क्या होगा और थीटा क्या होगा, जब एक स्लैब से रे क्रॉस करती है तो डेविएशन क्या होता है, डेविएशन क्या होता है, ये सबको पता है कि नहीं पता है, डेविएशन क्या होता है, याद करके अपन ये बात कर चुके हैं, डेविएशन क्या होता है, जीरो, डिस्पर्जन, 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 डिस्पर्जन भी जीरो, क्या बात कर रहे हो यार, करेक्ट, जे में आया हुआ सवाल है, डिस्पर्जन भी जीरो है, बताता हूं क्यों, सोच, क्या ये वायलेट रे ऐसे आएगी, हो सकता है रेड रे ऐसे आए, हो सकता है, पर दोनों निकलते वक्त क्या बेसिक वाली के पैरेलल होंगी, बेसिक वाली के, क्योंकि डेविएशन होता ही नहीं है, हाँ अलग अलग जरूर हो गई पर असलियत में थीटा कितना रहा, जीरो। एक दो तीन चार पांच छः,
बताओ। तो अगर स्लैब से पार करो तो डेविएशन भी जीरो है और थीटा भी, जेई में पूछा हुआ है थीटा जीरो, जेई में पूछा हुआ है थीटा जीरो कि भाई व्हाट इज द डिस्पर्जन व्हेन अ व्हाइट लाइट फॉल्स ऑन अ स्लैब, आंसर दियो डिस्पर्स नहीं जीरो है। डिस्पर्जन की डेफिनेशन क्या है फिर से सुनो, किसके बीच का एंगल, क्या बेकार रेस्पॉन्स दे रहे हो, वायलेट और रेड, कितना एंगल है वायलेट और रेड, तो डिस्पर्जन कितना हुआ जीरो, कंफ्यूज मत हो बिल्कुल, डिस्पर्जन क्या हुआ जीरो। आप ये मत सोचिए कि अरे सर ये तो कलर तो अलग अलग हुए ना, असल में कलर अलग अलग ऐसा कोई इतना डिफरेंस नहीं होता है कि एंगल, जैसे मान लीजिए ऐसा नहीं कि ये थीटा की वैल्यू जो है 50-50 डिग्री होती है, ये थीटा की वैल्यू वास्तविकता में 1 डिग्री 2 डिग्री इतनी होती है। तो अगर ये ऐसे होती हुई नहीं नजर आ रही, अगर ये ऐसे पैरेलल आ रही है तो हमारी आंख यहां पर होगी तो हमें ये भी वाइट ही लाइट नजर, अरे भाई साहब तो हमें ये भी वाइट ही लाइट, तुझे मेरी बात चमकानी है, अगर आपकी आंख यहां पे हुई तो ये वास्तविकता में कैसी लाइट नजर आएगी आपको, लाइट, क्योंकि वो सारी पैरेलल आ रही है एक साथ सारी, हाँ हो सकता है पहले इतनी सी जगह में आ रही थी पहले, अब थोड़ी सी, अरे यार, पर अभी भी कोई भी डिस्पर्जन, हमें अलग अलग कलर तब दिखते हैं जब वो ऐसे फैलते हैं। प्रदा जो मैं बोला क्या चमका, एक और बढ़िया सवाल करते हैं, आइए देखिए, गुड क्वेश्चन, देखिए मान लीजिए कि एक प्रिज्म है, प्रिज्म ऐसे मतलब देखिए, मान लीजिए प्रिज्म ऐसे है, मैंने बोला कि ये ए है, मैंने बोला कि मैंने एक रे गिराई आई इक्वल्स टू जीरो पर, आई इक्वल्स टू जीरो पर मैंने एक रे गिराई ऐसे, ये अच्छा इस में व्हाइट लाइट ना होके तीन कलर थे, ब्लू येलो रेड, ब्लू येलो और बेकार है, ब्लू येलो और रेड। अब जब ये रे यहां टकराई तो हमने बोला कि असलियत में इस रे के तीन टुकड़े हो गए, कितने टुकड़े हो गए, मतलब तीनों कलर अलग अलग हो गए, मतलब तीनों कलर 1, 2 और 3, बताओ कौन सा कलर है, जल्दबाजी मत करो, अच्छा सवाल है, कोई मत बोलो अभी, अभी मत बोलो, अक्कल लगा लो पहले, पहले तो सवाल सबको समझ आया, ट्राई करो, सबने सोच लिया क्या, सबने सोच लिया क्या, अरे पक्की बात, चलो बोलो, वन क्या है, ब्लू येलो रेड, वन वन वन, ब्लू ब्लू ब्लू, येलो येलो येलो, रेड रेड रेड, ग्रीन, अरे मिक्सचर हो गया हो कोई यार, वन कितने लोग बोलते हैं, रेड ब्लू येलो, चलो मिलके समझते हैं, जब रे यहां से यहां जा रही है तो ये एंगल ए है, ये एंगल, अच्छा ये बात समझ में, तीसरा कोई भी कलर उसने टी आई आर शो करा है, क्या शो करा है, अच्छा आप ध्यान देखो तो ब्लू येलो और रेड में जब हम इधर से इधर जाते हैं तो लेमडा बढ़ता है, लेमडा बढ़ता है तो एन, और सी क्या है, क्रिटिकल एंगल, साइन इनवर्स 1/n, अरे यार हाँ ना बोल, तो लेमडा बढ़ता है एन घटता है, लेमडा बढ़ता है एन और सी, लेमडा बढ़ता है एन घटता है और सी, सबसे ज्यादा सी किसका, आर का, सबसे कम, ये बात समझ आती है, अच्छा हमें ये बात समझ में आती है कि मान ले ये ए, डेटा लेके समझाता हूं, मान लो ए 45, मान लो ए 45, तो तीन वाला जो है कौन, वो टी आई आर शो कर रहा है, मतलब
तीन वाले का क्रिटिकल एंगल 45 से कम है। अरे यार, तीन वाले का 45 से, इसका मतलब इनके क्रिटिकल एंगल जो भी क्रिटिकल है, एक मैं कह रहा हूं एक का क्रिटिकल एंगल 45 से कम है और बाकी दोनों का क्रिटिकल एंगल 45 से, तभी तो ऐसा हो रहा होगा। मान लेते हैं, समझ लेते हैं, 44.9, 45.1, 45.2 ऐसे क्रिटिकल एंगल। अब सोच सबसे ज्यादा क्रिटिकल एंगल किसका होगा? रेड का। उसके बाद ब्लू का। तो कौन अंदर रहा, कौन अंदर रहा और कौन बाहर रहा? तो ये ब्लू है, ये येलो है और ये रेड। तुझे दूर दूर तक सवाल समझ, एक मिनट, समझ आया कि नहीं आया? ध्यान देख, मैंने डेटा लेके से समझाया था कि आपको बात समझ आए। ए 45 अगर है, अच्छा सवाल है, ए क्या है अस्तित्व में? इसका मतलब ये जो तीसरा कलर है 1, 2 और 3, ये थर्ड कलर TIR शो कर रहा है, मतलब इसका क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री से, तभी तो 45 में TIR कर दिया, तभी तो। इसका मतलब सबसे कम जिसका क्रिटिकल एंगल होगा वो ये कलर है, और सबसे कम किसका क्रिटिकल एंगल? ब्लू का, इसलिए ऐसा हुआ। तुम्हारे प्राण प्रखेरू, अरे कभी तो हाँ ना बोलो, yes, सोच लो, yes, और सुन, और बात सुन, दोनों बढ़िया सवाल, देख और देख, असलियत में बहुत ध्यान से देखो तो कोई भी मीडियम कितना ताकतवर है। टाइम हो गया क्या? कोई भी मीडियम कितना ताकतवर है डिस्पर्स करने का के लिए, यह वास्तविकता में इस बात पर डिपेंड करता है कि आई क्या है। क्यों सोच, अगर मैं आई 0 ले लूं तो सब 0 हो गया, तो फिर डिस्पर्शन, इसका मतलब मीडियम की ताकत आई पे भी डिपेंड करती है। अरे यार हाँ ना बोल, तो मीडियम की ताकत खाली थीटा से डिफाइन नहीं कर सकते, थीटा डिपेंड्स ऑन आई आल्सो, थीटा डिपेंड्स ऑन, तो इसकी ताकत डिफाइन करने के लिए एक नई टर्म लाई गई जिसे बोला गया डिस्पर्सिव पावर। क्या बोला गया? क्या बोला गया? तो मीडियम की ताकत डिफाइन करने के लिए एक नई चीज डिफाइन करी गई जिसे बोला गया डिस्पर्सिव पावर। तो डिस्पर्सिव पावर इज ए प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट? डिस्पर्सिव पावर इज अ प्रॉपर्टी, पहली बात ये ओमेगा से डिनोट करती है, किससे? ओमेगा। और डिस्पर्सिव पावर डिपेंड्स ऑन मीडियम। पर वास्तविकता में ये, इसकी जब डेफिनेशन ली जाएगी तो हम प्रिज्म को भी यूज करेंगे, पर वास्तविकता में किसकी प्रॉपर्टी है? मीडियम की। किसकी प्रॉपर्टी है? मीडियम, मीडियम की प्रॉपर्टी है। छोड़ो, अपन अगले टर्न पढ़ेंगे, जल्दबाजी नहीं करते, कचरा हो जाएगा नहीं। अब आप होमवर्क कर सकते हो, कहां से कहां तक दे चुका हूं मैं? प्रिज्म कर लो, एक्सरसाइज 1, 2, 3 प्रिज्म कर डालो। जी